नमस्कार, मैं वैभव सोनिया, टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंडई एवं छुई खदान के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुई खदान ब्लॉक अंतर्गत ग्राम ओटे बंद में त्रिय स्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंडई और छुई खदान के तत्वाधान में जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 के सदस्य कार्यकर्ताओं की बैठक गत दिवस सम्पन्न हुई। बैठक में पंचायत चुनाव की रूपरेखा तैयार किया गया। साथ ही जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 की प्रत्याशी ममता राजेश पाल एवं क्रमांक 2 की प्रत्याशी श्रीमती प्रियंका कामदेव जंघेल को विजयी बनाने संकल्पित हुई। कार्यकारिणी अध्यक्ष पदम कठोरी ने जिला में जिला सदस्य में 17 से 18 सीट कांग्रेस की आने की बात कही है। बैठक में छुई खदान एवं गंडई के कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं सदस्य बड़ी संख्या में शामिल रहे। किसान प्रोत्साहन योजना हो, कृषक कल्याण योजना हो, उसके लिए मंत्रिमंडल की एक समिति बैठी हुई है। उनकी बैठकें निरंतर हो रही है। अब अंतर की राशि किसानों को दी जाएगी। क्षेत्र क्रमांक जो 8 है, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8, उसमें जो विवाद आया कि विधायक जो है वो अधिकृत प्रत्याशी के सपोर्ट में प्रचार न करके अनधिकृत प्रत्याशी के, तो क्या कहेंगे, क्या विधायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या नहीं? समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे भी पता चला कि विधायक जी वहाँ पे गए थे क्षेत्र क्रमांक 8 में हेमंत वैष्णव के पक्ष में। और रह गया सवाल विधायक के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई का, तो वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधिकार क्षेत्र की बात है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। और हम स्वयं किसी भी डमी प्रत्याशी के खिलाफ या बागी प्रत्याशी के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। मैं जब भी चुनाव प्रचार में जाऊंगा तो अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में ही जाऊंगा। क्या लगता है कितनी सीट लेकर के आएगी जिला पंचायत? जिला पंचायत में कांग्रेस की सीट कम से कम आएगी ये 17-18, कम से कम। चुनाव लड़ने से पहले एक शपथ पत्र में घोषणा किया था कि शराबबंदी होगा करके, लेकिन अभी तक एक साल एक महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक शराबबंदी नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहें? शराबबंदी के विषय में माननीय भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार बहुत ही गंभीर है। और शराबबंदी को नोटबंदी के समान करके अराजकता की स्थिति पैदा नहीं की जा सकती। यदि शराबबंदी अचानक हो जाएगी, जब तक कि उसका आमूल ढांचा जो है उसको दुरुस्त करने का प्रयास सरकार कर रही है कि जब हम शराबबंदी करें तो प्रदेश में कहीं से भी अवैध शराब न बिके, उसके लिए ढांचा को मजबूत किया जा रहा है, नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। और 5 साल के लिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चुनी गई है। निश्चित प्रदेश के मुखिया शराब को बंद करने के विषय में बहुत ही गंभीर हैं और उस दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिस दिन हमारा नेटवर्क इतना मजबूत हो जाएगा, जो नेटवर्क पहले से जो बिगड़ा हुआ है 15 सालों में, वो नेटवर्क मजबूत होगा, निश्चित उसी दिन शराब पे प्रतिबंध इस छत्तीसगढ़ में लग जाएगा। अपना नाम और पता? पदम कोठारी, कार्यवाहक अध्यक्ष, जिला किसान, जिला कांग्रेस कमेटी। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से प्रियंका कामदेव जंघेल, जो अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस की, तो आप एजेंडा बताएंगे कि क्या क्या एजेंडा लेकर के आए हैं? चूँकि जो क्षेत्र है, मैदानी जो क्षेत्र है, ग्रामीण जो क्षेत्र है, वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। सब किसान रहते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के विगत 15 साल में शासन रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ, परेशानी और कर्ज में डूबा था किसान, और यहाँ तक कि किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या भी कर बहुत किसान किए, तो वो स्थिति में इस बार कांग्रेस की जो सरकार बना है माननीय भूपेश बघेल जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसान का प्रदेश, इसलिए किसानों का हित सर्वोपरि रखा है, जिसका परिणाम है कि साल किसान आत्महत्या नहीं किया, क्योंकि किसानों का कर्जा माफ़ किया, 2500 रुपये कुंटल दिया। और इस साल जो है मोदी जी जो है केंद्र में जो सरकार है, सेंट्रल पूल का चावल 2500 रुपये कुंटल देने पर नहीं खरीदूंगा की बात कहा गया, जिसके कारण से परेशानी हुआ, उसका भी विकल्प जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है आज निकाल चुके हैं। उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी बता चुके हैं कि किसान समृद्धि योजना के नाम से उस अंतर की राशि है वो देंगे। हर हाल में किसानों का 2500 रुपये कुंटल, 5 इस साल भी नहीं, 2 साल नहीं,
पाँच साल लगातार 2500 रुपये क्विंटल में धान की खरीदी होगा। इसलिए हम इस मुद्दा को लेकर के, चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज में कांग्रेस समर्पित कांग्रेस विचारधारा के सभी हमारे प्रत्याशी को जीत कराएंगे। अभी बिजली बिल के बारे में अभी ये हो रहा है कि इस बार बिलिंग है, दूसरा बात समस्या भी चौथे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आधा करना था तो अभी आधा नहीं कर पाए। नहीं नहीं, कहीं एक आध का कोई तकनीकी फॉल्ट होगा या हो सकता है, बाकी सबका जो है 500 यूनिट तक, 400 यूनिट तक के जिसकी खपत है उसका आधा बिल आ रहा है। मैं कई घर का, कई गांव में देखा बिल को, सब आधा बिल आ रहा है। अभी देखा जा रहा है जैसे क्षेत्र में कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके अपोज में जो है, उन दोनों के बीच में भी मूल्यांकन किया जा रहा है, तो क्या बात है कि कांग्रेस की प्रत्याशी थोड़ा सा कम नजर आ रहा है और बीजेपी के थोड़ा बढ़त हो रहा है, क्या रुझान? रुझान आप लोगों को लगता होगा, आप लोगों को लगता होगा, अलग बात है। बाकी आज जो है किसान जो है, जो किसान के हित में जो सरकार, हमारे कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, कर्जा माफ, 25 रुपये क्विंटल धान का मूल्य और बिजली हाफ, ये बहुत बड़े बड़े जो आज किसान हित में, गरीब हित में जो फैसला करके एक साल के अंदर जो आज हिंदुस्तान में कभी कोई सरकार नहीं किया है वो करके दिखाया है, उसका आज सब किसान हमारे गाँव के सब समझ रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, सब माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नगरी निकाय छुई खदान और गंडई में जो बीजेपी का भी सत्ता बैठा है तो इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये शुद्ध रूप से गांव का चुनाव है, ग्रामीण का चुनाव है, वो शहरी चुनाव था है, तो शहर और गाँव का एक अलग ये रहता है, तो गाँव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूँकि मैं गिरवर जंघेल, पूर्व विधायक खरागढ़। आप कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आए? मुद्दा तो यही है कि हम लोग, एक तो शहरी और ग्रामीण क्या लड़ाई है ये, और बिल्कुल हमको विश्वास है कि जीत के ही आएंगे और सरकार की जो भी योजना रहेगी उस पर भरपूर काम करेंगे। नाम बताओ। मेरा नाम प्रियंका जंघेल है। मेरा जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।